जल्दी जल्दी निकल। रसोड़े में कौन था? कोई नहीं था। नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी फिर से आप सबके समक्ष एक नई पहल के साथ, नए विषय के साथ हाजिर हो गया हूँ। और मुझे बहुत गालियाँ देते हैं यार लोग, मतलब क्रिएटर नहीं, जो आप लोगों में से कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, और ये इसकी वजह से देते, कहते यार तू दिन में जो है चश्मे लगाता है घर पे बैठ करके। भाई मैं चश्मे कोई अच्छा दिखने के लिए नहीं लगाता हूँ, ठीक है, और ये बस एक अपने वीडियो बनाने का एक अंदाज ही कुछ हो चुका है इस तरीके का कि बनाना पड़ता है इस तरह चश्मा लगा करके। तो फिलहाल हमारा आज का सब्जेक्ट है कि रसोड़े में कौन था, यानी कि गौशाला में क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, अब यही होना है और आगे भी आपको ऐसा ही कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दो लोग साथ में होकर के अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जब अलग हो जाते हैं तो बुद्धि जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, ये कहावत फिट बैठती है बिल्कुल। तो वही ये कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिल रहा। अब कुछ लोग क्या हो गया उनके साथ, वो तो बटे बटे, उनके साथ साथ हम और आप भी बट गए, ठीक है, यानी कि जनता जो सब्सक्राइबर थे वो भी बट गए। अब किसे गलती दी जाए किसे नहीं दी जाए ये मुद्दा नहीं है, आपस के उनके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी हैं मसले, जो भी है उन्हें वो सुलझा ले तो बेहतर है, लेकिन शायद अब वो अनसुलझे ही रहेंगे। तो एक आदमी जो है एक ही दिन में जो है दो दो लोकेशन कवर कर रहा है, लेकिन वो कुछ कपड़े बदल के करने पड़ते हैं। तो भाई कपड़े की क्या ज़रूरत है बदलने की, अगर आप दूसरी लोकेशन पे कर रहे हो कवर और मैं 15-20 मिनट बाद आप दूसरी लोकेशन कवर कर रहे हो, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आपको जो है कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत है, आप उसी कपड़े में कर सकते हो। लेकिन चूंकि लोगों को ये सवालों से जो है दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से लोगों के सवालों का डर, तो कपड़े तो चेंज होना लाजमी है। अब दूसरे भाई की तरफ आते हैं। भाई दूसरे भाई ने खुला बोल दिया है कि जो है मेरे प्रति सवाल उठाए जाएंगे और फालतू की बातें की जाएंगी और ये है वो है, आवाज़ आना वीडियो में, अब की बार ऐसा कुछ हो गया जो अभी तक नहीं हुआ, और ये सच है। तो भाई भाई की गलती नहीं है, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, और जो इस बार उसने काम किया वो भी बहुत अच्छा किया है, हम इससे खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि एक हद हो चुकी थी यार, वो अगला मतलब सही दिखा दिखा के थक गया। और जब वो अकेला जाता था तब आप लोग कमेंट करते रहे, और आप ही नहीं बहुत से लोगों ने उस पर जो है दांव पेच खेले, ठीक है, और इधर फेक वालों को जो है लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें, कोई करते करते जब थक जाएगा तो थोड़ी बहुत यार हरकत तो करना लाजमी है। अब वो मेरे हिसाब से हरकत है, मैं भाई को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई सीधी बात। अब हरकत क्या है मैं आपको बता दूँ, और भाई से मैं सहमत भी हूँ सीधी बात, और यही आगे चल के शायद मैं भी करूँगा यार, कोई करे या ना करे, क्योंकि जो जनता यानी कि जो जनता सॉरी जनता नहीं बोलना चाहिए, जो सब्सक्राइबर हैं यानी कि जो विजिटर्स हैं जो वाच करते हैं वीडियो को, उनको ये फर्जीफिकेशन देखना कुछ ज़्यादा, जब तक भूत दिखाई ना दे या हरकत दिखाई ना दे तब तक उनको मज़ा नहीं आता है। तो जो दीपक भाई ने अब की किया है
उससे मैं बहुत एग्री करता हूँ निसंदेह, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है तो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्री क्या करता हूँ मैं बताऊँ, देखो दीपक भाई इस चीज़ को कभी माने या ना माने, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ मेरे को जो फील हुआ मैं फिर भी बता रहा हूँ, और उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने किया। इस वीडियो में जो आवाज़ आई है 6:50 के टाइम पर जो सांस लेने की, यहीं पे सबसे ज़्यादा वो एक्टिविटी बताते हैं भाई जो होती है, और सबसे ज़्यादा आवाज आई भैया। यार कोई शायद आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 100 आदमी में 10 या 15 आदमी ऐसा होता है जो इन चीज़ों को बारीकी से समझ सकता है कि यार सिवाय एडिटिंग और सिवाय हरकत के ये कुछ नहीं होता है। आप ही सोचो, जहाँ वो खड़े हैं अंदर से सांस लेने की आवाज़ आ रही है, इतना तगड़ा माइक, रोड का माइक है, बोया का माइक है, इतना तगड़ा माइक कि अंदर से सांस ले रहा है कोई, और माइक घुस करके अंदर जो है जा करके उसकी आवाज़ कैप्चर कर रहा है सांस लेने की, तो यह पॉसिबल नहीं है भाई। ये सिर्फ एक एडिटिंग है और एडिटिंग के ज़रिए ही आपको जो है वो आवाज़ दिखाई गई, और ये दिखाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं, आप ही सोचो, पहले तो मैं यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा काट दूँ कि यार अगर ऐसा कुछ होता जैसा कि दीपक भाई ने थोड़ा सा क्लिकबेट किया यहाँ पर, और क्लिकबेट किया तो ठीक किया, कोई गलत नहीं किया है, क्लिकबेट ये किया है कि मतलब आप, उन्होंने आपको दरअसल बताया ये चीज़ कि आप लोगों को दरअसल ये चीज़ें देखना पसंद है, ठीक है ना, तो वही उन्होंने आपको दिखा, आईना दिखाया है तो आईना आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं देखी है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं जिस दिन मेरा भूत से सामना हुआ वीडियोस बंद हो जाएंगी मेरी। तो भाई ये आप भी समझदार हो, इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो बंद नहीं होने वाली है, और कोई नहीं बंद करेगा यार, क्यों बंद करेगा, ठीक है, अपने कैरियर पे कोई लात नहीं मारता है। हाँ, और भूत उन्हें दिखेगा भी नहीं, ये मेरे को मालूम है, आप भी जानते हो अच्छी तरह से। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो उनका चैनल बंद हो चुका होता, उन्होंने कमिटमेंट कर रखा इस चीज़ का। तो ये सिवाय एक एडिटिंग इफेक्ट के और कुछ भी नहीं है, वो आप इस तरह से देख सकते हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और मैं दो पल के लिए शांत हो जाता हूँ। अब मेरे पीछे से देखिए आप, इसी तरह की कुछ आवाज़ें आएंगी। अब ये इसके लिए मैं जंगल जा सकता था, रात में कहीं भी जा सकता था, खेत खलिहान जंगल, तो यहीं घर पे बैठा हूँ, ज़्यादा अच्छा है। आपको तो दिखाना है ना मेरे को कि इस तरह से ये होता है, तो आप देखो भाई। कोई सांस ले रहा है ना, कोई डीप ब्रीथ कर रहा है ना, ये है वो, ठीक है ना। तो ये कोई मेरे पीछे, इधर देखो आप, ये दरवाजा, इस दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है, ये एडिटिंग पे लगा रखा है, इस वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो इन चीजों को जो यार ये जरूरी पड़ जाती है कभी कभी, हमारे जो अच्छे क्रिएटर होते हैं, यानी कि जो सच दिखा दिखा के थक जाते हैं, उनके लिए जरूरी हो जाता है, तो वो सही किया उन्होंने जो भी किया। दूसरी चीज, दीपक भाई से थोड़े से सवाल जरूर करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है उस तक आपको जाना चाहिए भाई, आखिर आवाज कहाँ की है, वो गए नहीं, हर चीज में तो जो है वो करते हो, एक्सप्लोर करते हो ना अंदर तक, कि आवाज भाई आवाज आई हो, आप हल्के में ले लियो, वो वीडियो बंद, वाह ये क्या रहता है, तो आवाज तक पहुंचना चाहिए था ना, उसकी तह तक जाना चाहिए, कहां से आई, क्यों आई। अब अंदर खटपट की आवाजें बंदर कर रहा है, वो तो आप बता रहे हो क्योंकि वो बंदर ही कर रहा होगा, या कोई भी किसी प्रकार का कोई जानवर कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, कोई इंसान और कोई भूत चुड़ैल नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आपको बताया एक चीज, यहां पर पहला पॉइंट मैं उठाता हूं कि दीपक भाई ने बोला अपने दिन वाले वीडियो में कि आपको एक मतलब ये लोकेशन अभी आप दिन में देख लो, उसके बाद रात में ये लोकेशन आपको मैं दिखाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। रात को कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको एक्सप्लोर करेंगे लोकेशन को अच्छे से। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जो आप रात में हम लोगों को दिखाओगे, क्या चीजों के साथ आओगे, और जब आप रात में आए तो केवल कैमरा और कैमरामैन और तो कुछ भी नहीं दिखा, ना कोई हथियार,
ना कोई जो है कोई पिस्टल बंदूक ये सब चीजें तो नहीं दिखाई थी ना, और ना कोई इक्विपमेंट, क्या ऐसी चीजें थी जो रात में आप लेकर के गए वहां पे, तो मुझे नहीं दिखाई दिया फिलहाल। तो ये आप देख सकते हो, ये कमिटमेंट उन्होंने अपने दिन वाले वीडियो में किया कि रात में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आकर के इस लोकेशन को कवर करूंगा, चीजों के साथ, वो चीजें नहीं दिखाई दी। ठीक है, अब एक बात करते हैं आपसे, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई ने कहा जो कि कैमरामैन है कि भाई चीटी चल रही है आपके शरीर पे, चीटी चलते ही कैमरा बंद करा देना और चीटी नहीं देखना, ये कहाँ का उसूल है, चीटी पहले झाड़ो शरीर से, चीटी कहाँ पर है शरीर पे देखो, कहाँ किस हाथ पे, मतलब चीटी चल रही है, हम हमसे कोई कहे यार भाई तेरे जो है चेहरे पे जो है कोई मकड़ी बैठी है, तो मैं पहले मकड़ी हटाऊंगा यार, या सीधे बोल दूंगा बत्ती बंद करो, नहीं ना, तो बत्ती क्यों बंद करा दी उस समय। खैर बंद कराई होगी, कोई बात नहीं, हम समझदार हैं और सभी समझदार हैं। चीटी चल रहा आपके ऊपर, कौन बंद कर कैमरा बंद कर। तो भाई लाइट बंद कर दी है, तो ये नहीं समझ में आया अपने भाई कि चीटी चल रही है और उसके बाद अगले ने खांस के इशारा किया, और खांसने से पहले ये सीन देखो आप, ऐसे दीपक भाई ने इशारा ऐसे ऐसे उसका हाथ पकड़ा, एक हाथ से ऐसे दबा दिया हाथ, तो कुछ था वहां पे, मतलब कुछ मतलब भूत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ रायता था, तो उस चीज को उस रायते को जो है बताने हेतु या छुपाने हेतु बत्ती बंद कराई गई, बत्ती इसलिए नहीं बंद कराई गई, ये तो पहला पॉइंट है। ठीक है, कुछ लकड़ी थी, दीपक भाई ने ऐसे कैमरामैन का हाथ पकड़ा है, आप देखना गौर से इस सीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूं गौर से देखना कि उसका हाथ दबा है, अब वो क्यों दबा है ये तो नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ लकड़ी है इसके लिए दबा है उसका हाथ, और खट से उसने जो है खांसा, और खांसने के बाद बत्ती हो गई बंद। तो ये है रायता यहां पे, ठीक, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको, बत्ती बंद करने का सिस्टम क्या होता है, क्या आप लोगों ने समझ लिया बत्ती बंद ही हुई होगी? नहीं, जितनी देर बत्ती बंद रही है ये मतलब मैं जो फील करता हूं और जो मैं इतना समझता हूं, इतना बारीक क्यों लगाता हूं मैं इतना टाइम, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, तुम आप लोग मतलब सब लोग सोचो खुल करके, ये कोई हिम्मत वाला काम नहीं है, हिम्मत वाला काम वहां जाना जरूर है और उस लोकेशन को रात में एक्सप्लोर करना वो भी हिम्मत वाला काम है, अच्छी बात है, लेकिन बत्ती बंद कर देना इसी लोकेशन पे, हम नहीं समझते कि ये ठीक होगा, उसको हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं, उसका रीजन भी बताते हैं, पहले आप रीजन सुन लो फिर मैं प्रूफ बताता हूं। रीजन ये है, कीड़े मकोड़े कई समय पहले से वो लोकेशन बंद किए, ताला तोड़ करके ये लोग आए हुए हैं, जाहिर है कि सांप बिच्छी कुछ भी वहां हो सकता है, चमगादड़ हो सकते हैं, बत्ती बंद करने के बाद मतलब क्या होगा, आप लोग समझदार हो ठीक है ना, ऐसी लोकेशन पे यार कोई बत्ती नहीं बंद करता है, बड़ा सा हॉल हो, अच्छी लोकेशन हो, साफ सुथरी हो, वहां बत्ती बंद की जाती है, गंदी सी लोकेशन है, गंदी सी गौशाला है वहां पर, गोबर वगैरह है ठीक है, और मतलब टूटे फूटे फर्नीचर्स हैं, ऐसी जगहों पर बत्ती क्यों बंद करेगा कोई, तो बत्ती बंद करना, कीड़ा नहीं काटेगा कोई, बिच्छी काट ले, सांप काट ले, ऐसा कुछ हरकत नहीं होगी क्या, तो बत्ती नहीं बंद की। अब मैं बता रहा हूँ होता क्या, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा ये भी नहीं है कि जरूरी हो यार, हो सकता है यार अगले ने बत्ती बंद ही कर दी हो, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं, बत्ती बंद कैसे होती है, कैमरामैन से बोला बत्ती बंद करो, ऐसे हाथ लगाया कैमरे में, बत्ती हो गई बंद, ठीक समझना, और अचानक बत्ती खुल भी गई, जैसे ही बंद हुई अचानक खुल गई, उसके बाद काम हुआ लैपटॉप का, जिस जगह बत्ती हाथ लगाया बंद हुई उसी जगह पे ब्लैक स्क्रीन डाल दी गई, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड डाल दिया गया, उसके बाद जब बत्ती खोलनी हुई कैमरामैन से बोला बत्ती ऑन करो, उसने बत्ती ऑन तो वहीं पे कर दी थी ना, तो वही वाला सीन उठा करके और ब्लैक स्क्रीन वहां से हटाई एडिटिंग में और बत्ती ऑन, ये सेकंड पॉइंट है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके का अगर नहीं, दीपक भाई ने नहीं किया है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं दीपक भाई ने किया है,
लेकिन ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे हॉन्टेड व्लॉगर्स हैं, इस तरीके का काम करते हैं भाई, करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉच किया इन चीजों को, ये नहीं कह रहा हूं कि दीपक ने ऐसा किया, लेकिन दो पॉइंट आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग परखो, हर चीज को परखना। हम कल नहीं होंगे, मेरा चैनल कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को बताया जा रहा हूं कि इन चीजों को परखो, व्यू वॉच करते हो तो इन चीजों को दिल पे लिया करो, पहले से माइंड मेकअप कर लिया करो, ऐसा हो सकता है। हर चीज में भूत ना ढूंढा करो, आप चूंकि भूत ढूंढते हो किसी भी वीडियोस को, आप वॉच ही इसीलिए कर रहे हो, दैट इज व्हाई यू आर विलिंग अबाउट टू गेट अ घोस्ट। तो भूत की नजरों से किसी वीडियो को मत देखो, निगेटिव नजरों से जब देखोगे तब आपको अच्छे और बुरे दोनों ही पॉइंट नजर आएंगे। अब चलते हैं आगे कि हाँ, ये तो खैर मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा है तो मैं मान रहा हूँ इस चीज को कि 9:14 से 9:17 तक आप इस दीपक भाई के वीडियो को पॉज करके आराम से सुन सकते हो कि उन्होंने 9:14 से 9:17 तक कुछ विस्पर साउंड किया है, नहीं बोला है। और नहीं कब बोला, शायद कैमरामैन बोल रहा है कि भाई कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, तो कुछ पहले आती है नहीं, यानी कि नहीं, ये नहीं बहुत हल्के शब्दों में बोला गया, और थोड़ी सी खुसर पुसर और होती है, तो वो क्या रहता है ये आप लोग सवाल किया करो भाई, हम ही थोड़ी करेंगे। सवाल करना गुना नहीं होता है, किसी को ब्लेम करना गुना होता है, और मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं यार, कोई गलत मतलब निकाले अपने वीडियो में या अच्छा मतलब निकाले, आई डोंट केयर। मैं यार प्रेम करता हूं सभी से, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो। अब क्रिएटर मुझे आज पसंद नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, ये मैं क्योंकि ब्लेम नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे को जो फील हो रहा मैं वही बता रहा हूं ना, तो ये क्या खुसर फुसर है, इनका जवाब दो, खत्म बात, बवाल ही खत्म हो गया सारा। हाँ एक बात और, आप लोगों का कहना यार इस पूरे वीडियो में पायल और घुंघरू जैसी आवाज आई है, तो भाई इसमें भी दो चीज हो सकती है कि मैं 5 या 10% मान सकता हूं कोई इंसेक्ट होगा, ठीक है ना, कीड़ा मकोड़ा होगा, लेकिन ऐसा लग 90% दैट इज टोटल एडिटिंग। और उसको भी मैं आपको दिखा सकता हूं इस तरह से, ये देखो ये जो पायल है वो यहां पे मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखेगी, ठीक है ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आंखें खोल करके वीडियो देखो भाई, आंखें खोलना जरूरी है। और अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो तगड़ा पॉइंट है। तगड़ा पॉइंट ये है, थोड़ी सी यहां पर, अब आप लोग मालूम क्या कहते हो इसको, ये जो मैं यहां पर बात करने वाला हूं इसको आप लोग देसी भाषा में कहते हो कि यार ये अगला बीसी करता और कुछ नहीं करता, आ जाता है चश्मा लगा करके और बातें पेलता रहता है, ठीक है ना, ठीक है बातें पेल लें, लेकिन समझो इस बात को, थोड़ा सा बारीकी से समझोगे तो आपके फायदेमंद रहेगी, ठीक है। बाकी मेरे को क्या है यार, मेरा काम एनालिसिस करना है, और वो आपके सारे क्रिएटर बोलते हैं कि ठीक है भाई सवाल उठाने वालों का ये काम है, करते रहो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार तू भी जाना, भाई हम कैसे जाएं यार, हम यार खुली सी बात है, मैंने वोट देकर के पीएम बनाया है, पीएम गलत काम कर रहा है तो मैं पीएम से सवाल करूंगा, मैं खुद पीएम थोड़ी बन जाऊंगा, मैं सीएम थोड़ी बन जाऊंगा, सवाल करूंगा ना उनसे। तो इसी तरह से मैं जो क्रिएटर हूं उनका मैं वीडियो देखता हूं, मैं भी सब्सक्राइबर हूं यार, तो क्यों ना सवाल उठाऊं, सवाल उठाना लाजमी है ना, लेकिन उनसे प्रेम भी करते हैं ये भी सत्य है, पूछो इन चीजों को, पूछा करो, ये आपका हक है, आप लोग देखते हो वीडियो, मैं भी देखता हूं, तो भाई अच्छी चीजें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सलामी देते हैं, और कुछ संशय विषय होगा तो सवाल उठाते हैं, कोई ब्लेम थोड़ी करते हैं यार।
मतलब ये लोग बोल देते हैं यार, ब्लेम कर रहे हैं कमरे में बैठ करके चश्मा लगा करके, ब्लेम थोड़ी कर रहे हैं भाई, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये लो, ये सभी लोग हमारे अपने हैं और हम बाद में आए हैं, ये सच है। तो बस अपना यार यहीं तक वीडियो था, इसके अलावा कुछ भी नहीं अपने पास कहने को। और एक बात, एक सत्य वीडियो के आखिरी में आपको बता देना चाहूँगा, ताकि आप में से जो बटे हुए लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मेरा उसूल या उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि इस वाले को और इस वाले को दुखी करना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं आपको दोनों लोगों को बता देता हूँ, दोनों पक्षों को। यार मैं आपका भी प्रेमी हूँ, आपका भी हूँ, लेकिन कब था, जब आप यूं थे, एक साथ थे ना, ठीक है ना। अब आप बढ़ चुके हो, विचारधाराएं बढ़ चुकी हैं, याद रखना मेरी बात को, मैं दोनों लोगों को बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों? आज मैं YouTube पर अपने चैनल पर पहले भी कर चुका हूँ, इस वीडियो के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ कि मेरा YouTube पे जो अस्तित्व है, YouTube पे, और जो इस लाइन पे मैं आया हूँ, एनालिसिस लाइन पे, तो वो सागर तिवारी और दीपक वर्मा की वजह से आया हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ। ये रियल है और ये सच है, इसको मान लो, उसका रीजन भी बता रहा हूँ। मैंने पहली बार हॉन्टेड स्कूल का किया था एनालिसिस, ठीक है ना। उस वक्त तक, उसके उस वीडियो के पहले तक मैं टेक, यूट्यूब टिप्स, ये सब बनाया करता था, ठीक है ना। तो आज अगर मैं एनालिसिस, मेरे को उस एनालिसिस से यार रिजल्ट मिला, मैंने अपना टॉपिक टेक्स से चेंज करके हॉन्टेड अगर कर लिया या एनालिसिस कर लिया, तो क्या गुना हो गया? तो क्या इसको ये उसूल, ये कोई, ये कहीं का जो है नियम है क्या कि इसको रॉन्ग वे पे लिया जाए? गलत है ना ये, और आप लोग गवाह इस चीज के यार। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ना सागर तिवारी जिंदाबाद, दीपक वर्मा जिंदाबाद, ये थोड़ी किया जाता है यार। दोनों साथ थे तभी ना मजा था, कि दीपक वर्मा तुम बेकार हो और सागर तिवारी जिंदाबाद है, ये क्या है यार, दोनों लोगों में डिस्प्यूट क्यों पैदा करा रहे हो, ठीक है ना। उनको जो है घूमने दो, घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक अच्छा उसूल है, उसने अपना लाइन पकड़ रखी है और अगले ने अपना जो है कर रखा है, तो क्या बुरा है, बुराई कहां पर है। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट, नन्नन वाजपेयी, वेरी एंग्री राइट नाउ, बाय बाय।